चीन में लगातार कोरोना के बढ़ते प्रकोप के कारण हालात बिगड़ते चले जा रहे हैं। वहीं चीन कोविड से जुड़े आंकड़े और जानकारी छिपाने की कोशिश कर रहा है। जहां चीन में कोविड से लाखों लोगों की मौतें हो रही है, बावजूद उसके चीन यह दावा कर रहा है कि वहां पिछले 6 दिन से कोरोना से कोई भी मौत नहीं हुई। अब एक वीडियो चीन से सामने आ रहा है जो चीन के उन झूठे दावों की पोल खोलने के लिए काफी है, जिसमें 2 वीडियो सामने आए हैं। पहला वीडियो चीन के शहर शंघाई का है, जिसे ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट जेनिफर जेंग ने शेयर किया है। इसमें शंघाई के अस्पतालों में शवों के ढेर नजर आ रहे हैं। उनके मुताबिक यह वीडियो 24 दिसंबर का है और दूसरा वीडियो अनसन शहर का है, जिसमें शवों को अंतिम संस्कार करने वाले फ्यूनरल होम फुल दिखाई दे रहे हैं, जहां अंतिम संस्कार के लिए लंबी वेटिंग है। इतना ही नहीं, लगातार हो रही मौतों से शवों को रखने की जगह ना होने के कारण शवों को फ्यूनरल होम की पार्किंग में रखा जा रहा है। कोरोना से जुड़े मौत के आंकड़े दुनिया के सामने ना आए, इसके लिए चीन कई पैंतरे अपना रहा है। चीन पूरी कोशिश में जुटा है कि दुनिया से सच छुपाया जा सके। चीन में लोगों को उनके परिजनों के शव अस्पताल में तभी दिए जा रहे हैं जब वे एक फॉर्म पर साइन कर रहे हैं, जिसमें लिखा है कि उनके परिजनों की मौत कोरोना से नहीं हुई बल्कि किसी और वजह से हुई है, और कोई भी गलत दावा होता है तो उसके लिए परिजन खुद जिम्मेदार होंगे। इसी बीच बीजिंग के फ्यूनरल होम को भेजे गए एक नोटिस की कॉपी भी सामने आई है, जिसमें ये साफ लिखा है कि फ्यूनरल होम का कोई भी कर्मचारी किसी भी मीडिया संस्थान को इंटरव्यू नहीं देगा व कोई भी डाटा शेयर नहीं करेगा। बता दें कि चीन में पिछले 20 दिनों में 25.25 करोड़ लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक चीन के राष्ट्रीय स्वास्थ्य आयोग की एक बैठक में संक्रमण से संबंधित आंकड़े प्रस्तुत किए गए थे। 20 मिनट तक चले इस बैठक के दस्तावेज लीक होने के बाद ये खुलासा हुआ है। रेडियो फ्री एशिया ने सोशल मीडिया पर चल रहे दस्तावेजों का हवाला देते हुए बताया कि महीने के पहले सप्ताह में जीरो कोविड पॉलिसी में छूट देने के बाद चीन में हालात भयावह बने हुए हैं और सिर्फ 20 दिन में ही पूरे चीन में करीब 250 मिलियन लोग कोविड-19 की चपेट में आ गए हैं। इन चौंकाने वाले आंकड़ों के मुताबिक 1 से 20 दिसंबर के बीच 24.8 करोड़ लोग कोविड-19 से संक्रमित हुए हैं, जो चीन की आबादी का 17.65% है। चीन में कोरोना से जारी तबाही के बीच कई फैसले लिए गए हैं। चीन ने 8 जनवरी से विदेश से आने वाले यात्रियों को क्वारंटाइन से छूट देने का ऐलान किया है। इतना ही नहीं, चीन अपने अंतर्राष्ट्रीय बॉर्डर भी खोलने जा रहा है। साल 2020 में करीब 3 साल बाद चीन में अंतर्राष्ट्रीय क्वारंटाइन नियमों से छूट मिलने जा रही है। बता दें कि इससे पहले चीन ने दिसंबर में ही विवादित कोविड पॉलिसी वापस लेने का ऐलान किया था। इसका काफी विरोध भी हो रहा था। चीन में कोविड पॉलिसी वापस लेने के बाद से ही मामलों में इजाफा हुआ है। सब्सक्राइब करें पर्यावरण पोस्ट।